एक गांव में भोला नाम का एक किसान रहा करता था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी जिसमें वह खेती किया करता था। उसके पास जो कुछ भी था वह उससे संतुष्ट था। भोला के परिवार में उसकी पत्नी और दो बच्चे थे। अरे भाग्यवान, आज खाना मिलेगा कि नहीं, या मुझे भूखा ही खेतों पर जाना होगा। जी बस बन गया है खाना, मैं अभी बांध देती हूँ। ठीक है, जब तक तुम खाना बांधो तब तक मैं गौशाला से बैल को ले आता हूँ। अरे भाग्यवान, जल्दी करो, मुझे खेतों पर भी जाना है। देर हो रही है, सूरज सर पर निकल चुका है। हाँ हाँ, यह लीजिए अपना खाना और समय निकाल कर पूरा खाना खा लेना। कल इसमें 2 रोटी वापस आई थी। हाँ, वह कल गर्मी ज्यादा थी ना, तो इसलिए 2 गिलास भर कर पानी पी लिया था तो उसी से पेट भर गया था, इसलिए कुछ रोटी बच गई थी। अच्छा, तो पहले आज पूरा खाना खाना, इसके बाद ही पानी पीना। हाँ हाँ भाग्यवान, जैसा तुम कहो। अच्छा तो मैं चलता हूँ। फिर बोला अपने बैल को लेकर अपने खेतों के लिए निकल गया। खेतों पर पहुंचकर भोले ने काम शुरू कर दिया। कुछ ही देर में बैल चलते चलते थक कर जमीन पर बैठ गया। अरे बैल, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे क्यों बैठ गए? लगता है तुम थक गए हो। अब तुम भी बहुत बूढ़े हो चुके हो ना, और इतनी कड़ी धूप में तुम चल चल कर थक गए होगे। चलो कोई नहीं, तुम यहीं पर आराम करो, बाकी का खेत मैं जोत लेता हूँ। भोला अकेले ही खेत जोतने लगता है। खेत जोतने के बाद भोला अपने बैल को लेकर घर चला जाता है। राधा, आज खेतों पर हमारा बैल थक कर गिर गया था। अब उसकी खुराक पहले से और ज्यादा करनी होगी, वह बहुत कमजोर हो गया है। अजी, खुद के खाने का तो ढंग से ठिकाना नहीं है, अब इस बैल को कहाँ से खिलाए? आप इस बैल को बेच क्यों नहीं देते? वैसे भी अब ये बूढ़ा हो गया है, ये अब हमारे किस काम का? नहीं राधा, मैं इस बैल को नहीं बेचूंगा। मैंने छोटे से इसको अपने बेटे की तरह पाला है, यह भी हमारे परिवार की तरह है। अब यह बूढ़ा हो चुका है तो इसकी इस स्थिति पर मैं इसको बेच दूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसे अगली सुबह फिर भोला खेतों पर अपने बैल के साथ निकल जाता है। भोला खेतों का सारा काम निपटा करके घर को जाता है। किसी गाँव में एक जमींदार भी रहता था जो अपने खेतों की जुताई गांव के गरीब किसानों से करवाता था। उसके पास बहुत सारे खेत थे। हाल ही में उसने गांव से थोड़े से दूर एक खेत खरीदा था जिसकी उसे जुताई करवानी थी। अगली सुबह जमींदार भोले के खेतों के पास से गुजर रहा था, तभी वह भोले को खेतों में काम करते हुए देखता है। हीरा, बस थोड़े दिनों की और मेहनत है, एक बार हमारे खेत की जुताई हो जाए फिर तुझे बस आराम ही आराम करना है, बस थोड़ा सा और मेरा साथ दे दे। अरे यह भोला तो बहुत मेहनती किसान है, मुझे अपने गांव से थोड़ा सा दूर वाले खेत की जुताई का काम इसे ही दे देना चाहिए। ऐसा सोचकर जमींदार भोला को आवाज लगाता है। भोला जरा इधर आना। भोला, मुझे तुमसे कुछ काम है। अभी हाल ही में मैंने नया खेत खरीदा है जो गांव से थोड़ा सा दूर है। क्या तुम उस खेत की जुताई कर पाओगे? मैं तुम्हें इसके 3,000 दूंगा। ठीक है जमींदार साहब जी, मैं आपका खेत जोत दूंगा। बताइए मुझे कब से आपका खेत जोतना होगा? तुम कल सुबह से ही खेत की जुताई पर लग जाना। इस तरह अगली सुबह भोला अपने बैल के साथ जमींदार के खेतों पर जुताई के लिए चला जाता है और वहाँ जुताई करता है। वहाँ की जमीन थोड़ी सख्त थी, इस वजह से भोला और उसकी बैल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। अरे ये जमीन तो बहुत सख्त है, बहुत मेहनत लग रही है इसकी जुताई में। ये जमींदार साहब ने मुझे कहाँ फंसा दिया। हीरा, तू भी सोचता होगा ना कि यह भोला कितना चालाक है, सारे दिन मुझसे काम करवाता रहता है। पर क्या करूँ, इस पापी पेट के लिए यह सब करना पड़ता है। अगर यह नहीं करूँगा तो मैं अपना और तेरे पेट को कैसे भरूंगा। खेत जोतने के बाद भोला अपने बैलों के साथ घर चला जाता है। क्या हुआ, जोत दिया जमींदार साहब का खेत? हाँ, आधा जोत दिया है और आधा रह गया है, कल तक पूरा हो जाएगा। चलिए अच्छा है, इससे कुछ पैसे तो आएंगे घर में। हाँ राधा, इस बार मैंने सोचा है कि जमींदार साहब के पास से जो पैसे आएंगे उससे मैं गौशाला की मरम्मत करवाऊंगा। गौशाला में जगह जगह से छेद हो गया है जिससे बारिश में छत से पानी टपकता है। हाँ ठीक है जी, आप अपनी गौशाला की सबसे पहले मरम्मत ही करवा लेना।
हम बाद में अपनी देखेंगे। अगली सुबह भोला अपने बैल के साथ जमींदार के खेतों को जोत रहे थे कि तभी उनका हल खेतों में अटक जाता है। अरे ये हल कैसे अटक गया? आखिर क्या चीज है जो यहाँ इस हल को अटका रही है? भोला जब थोड़ी खुदाई करता है तो देखता है कि वहाँ तो एक पुराना संदूक है। भोला ने संदूक को बाहर निकाला और खोल कर देखा। उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। भोला ये देख कर बहुत खुश होता है और वह संदूक को लेकर अपने घर चला जाता है। जी इतने सारे सोने के सिक्के, ये तो बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। हम तो अमीर हो गए, अब हमें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। इन सोने के सिक्कों को बेचकर हम अपनी सारी जरूरतें पूरी कर सकेंगे। नहीं राधा, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये सोना हमारा नहीं है, ये जमींदार साहब के खेतों से मिला है। ये जरूर हमसे पहले जो इस धरती पर राजा रहते थे उन्हीं राजा महाराजा द्वारा छुपाया हुआ सोना होगा जो हमें मिला है। ये हमारा खजाना नहीं है, ये सरकारी खजाना है, इसे हमें सरकार को देना होगा। आप बनते रहिए दानी, अगर आप ऐसे ही दानी बनते रहे ना तो आप जिंदगी में कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। जिंदगी भर यूं खेती बाड़ी करते रहना और यह सूखी दाल रोटी खाते रहना। राधा बेमानी के पैसे से तो अच्छा यह दाल रोटी ही है, जो कम से कम इसे खाकर हमें अच्छे से नींद तो आती है। अगर बेईमानी के पैसे की खाएंगे तो क्या भला हमें नींद आ पाएगी? और तुम इस बात को हमेशा याद रखना, बेईमानी का पैसा कभी भी नहीं फलता। ये खजाना सरकार का है, इस खजाने पर केवल सरकार का हक है। मैं कल ही इसे जमींदार जी को देकर आऊंगा। लो कर लो बात, हाथ को आए मगर मुंह नहीं लगे। अगले दिन भोला संदूक लेकर जमींदार के पास गया और संदूक को जमींदार को दे दिया। फिर जमींदार खुश होके बोला, मैं तुम्हारी ईमानदारी से खुश हुआ, और उसको 50,000 रुपए दिया। अब भोला खुशी से जिंदगी बिताने लगा।